तो दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। दोस्तों टिप और एंड ट्रिप के साथ कुछ ऐसा मैं आज लेके आ चुकी हूँ, तो चलिए टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे मैंने पतला सा तार ले लिया है और इसमें मैं ये वाइट वाली जो मोती होती है, ये छोटे छोटे मोती हैं, तो आप देख पा रहे होंगे ये मोती डाल के मैंने इसको हाथों से इस तरीके से ऐठन दे दिया है। दो मोती डालने के बाद मैंने इस तरीके से ऐठन दे दिया है और एक इंच की दूरी पे आप देख पा रहे होंगे एक ये मेरा फ्लावर की तरह बन चुका है। अब नीचे से तार खोलते हुए इसमें मुझे दोबारा मोती डाल लेना है। देख पा रहे होंगे मैं इस तरीके से फूल कर ली हूँ, तो नीचे से मैं इस तरीके से इसी तार में ही, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से मैं इसको भी एक मोती डाल के इसको मैं ऐठन दे देती हूँ। बस इसी तरीके से फ्लावर टाइप में इसको बनाते जाना है। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, जैसे कि मैंने इधर किया है और उसी तरीके से मैं ये जो दूसरी तरफ का है इसको भी मैं इसी तरीके से, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से मैंने मोड़ा है और नीचे से एक मोती मैं डाल लेती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नीचे से मोती डालने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे इसको भी मैं इसी तरीके से ऐठन दे लेती हूँ। अब फिर दोबारा मुझे ऐसे ही करना है, जैसे कि नीचे से मोती डाल के अब मुझे इसी तरीके से बिल्कुल पत्ते के आकार में बना लेना है। तो आप देख पा रहे हैं तीन पत्ते ये बन के रेडी हो चुके हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि मैंने मोड़ा है नीचे से, वहीं से मुझे दूसरा मोती डाल के इसका मुझे एक फ्लावर का शेप दे देना है। तो चलिए इसी तरीके से, जैसे कि मैं बता रही हूँ इसी तरीके से मैं मोड़ते हुए और इसमें मोती डालते हुए इसी तरीके से बना के रेडी कर लेती हूँ। नीचे से डाल लेना है और ऊपर से इस तरीके से बस इसको मोड़ के फोल्ड कर लेना है। और दोस्तों इस तरीके का ये जो सॉफ्ट तार होता है बिल्कुल ये कहीं भी दुकान पे इस तरीके से मिल जाता है, जो इस तरीके से बनाते हैं फ्लावर के काम इस तरीके से वहाँ पे मिल जाते हैं बहुत इजीली तरीके से। मैं वहीं से लेके आई हूँ मोती और तार, तो मुझे ये चीज़ बनाना था तो मैंने सोचा ये वीडियो आप में भी शेयर कर दूँ। तो देखिए इस तरीके से बनाने के बाद और बहुत ही अच्छा एक फ्लावर बन के रेडी हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, बस तार को एक इंच की दूरी पर मोड़ना है और नीचे से मुझे डाल के मोती बस इसको ऊपर ले जाके इस तरीके से मोड़ के इसको ऐठन दे देना है। ऐठन देते हुए दोस्तों आप देखेंगे कि ये कि मेरा एक अच्छा फ्लावर का काम करता है। तो देखिए ये मेरा बन के रेडी हो चुका है और इसी तरीके से मैंने इसको बना लिया है। इसको अच्छी तरीके से ऐठन दे देना है कि मोती इसमें से बिल्कुल ही इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत इजीली तरीके से अगर हम अपने दिमाग चलाएं तो बहुत अच्छे से अच्छे काम आप अपने घर में ऑर्गेनाइजर बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए मैंने बना लिया है इसको और नीचे का जो तार था मैंने इसको लपेट लिया है और इसी तरीके से मैंने दो से तीन बना लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे और ये जो दूसरा फ्लावर बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाया है, इसके ऊपर रखते हुए हाथों से इसको ऐठन दे देंगे। अगर दोस्तों हाथों से नहीं हो रहा है तो इस तरीके से कोई इस प्लास वगैरह ले लेना है या पकड़े इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे इसके हेल्प से भी इसको ऐठन देते हुए अच्छी तरीके से मुझे इसको ऐठ लेना है कि ताकि बिल्कुल इसमें से अलग ना होए। तो जैसे कि मैंने इसको किया है और इसी तरीके से दूसरा भी कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ये फैला फैला पत्ती की तरह बनके रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं तीसरा भी रख लेती हूँ, एक तो मेरा पहले का था और दो मैंने जो दिखाया था उसको भी इसके ऊपर रख के इसको मैं ऐठन दे लेती हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से हम अपना दिमाग लगाए तो एक एक से चीज़ हम अपने घर में बना के रेडी कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको बना लिया है इस तरीके से और मैं आगे की प्रोसेस बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसी तरीके से मैंने बनाया है और इस तरीके से एक मैंने और बना के ले लिया है, यानी कि दो हो गया, या एक बड़ा और एक छोटा। तो दोस्तों ये मेरा दो हो गया। तो दोस्तों ये जो दोनों है मैं इसको दोनों नीचे वाला पार्ट मिलाते हुए इसको मुझे ऐठन दे देना है, यानी कि एक ही में दोनों को मोड़ लेना है, ज्वाइंट कर लेना है। तो चलिए इसको ज्वाइंट कर लेते हैं हाथों की मदद से या पकड़ की मदद से या प्लास की मदद से, जैसे भी सही लगे इसको हम अच्छी तरीके से। दोस्तों ये जो तार होता है ना बहुत ही सॉफ्ट मुलायम होता है और बहुत इजीली तरीके से ये हो भी जाता है। तो दोस्तों ये फ्लावर ले लेना है। तो देखिए ये फ्लावर मैंने मार्क्स का बनाया हुआ है, तो दोस्तों आप कोई यकीन नहीं कर सकता है कि मैंने मार्क्स का, ये जो नीला वाला मार्क्स रेडीमेड होता है उसका मैंने ये फ्लावर बनाया हुआ है, बिल्कुल ओके बन चुका है।
और कोई कह भी नहीं सकता है। और दोस्तों अगर इसी तरीके के फ्लावर आपको चाहिए तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, बच्चे के उसमें क्लिप वगैरह में आता है ना। तो देखिए बस एक मैं क्लिप लूँगी, क्लिप को इसके अंदर से अटैच कर दूँगी। बस इसको अटैच करने के बाद और इसी के ऊपर मैं ये फ्लावर रखूँगी। जैसे कि देखिए मैंने इसमें रबड़ लगाया हुआ है, रबड़ लगाया है तो कोई बात नहीं, रबड़ के हेल्प से भी आप बांध सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से जो फ्लावर है मैं इसके ऊपर अटैच कर दी हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये हमारा एक जूड़ा पिन बनके रेडी हो चुका है बालों में लगाने वाला। बालों में लगाएंगे दोस्तों तो ये बहुत इजीली तरीके से देखने में काफ़ी परफेक्ट लगता है। तो चलिए मैं लगा के दिखाती हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे, चलिए मैं लगा के दिखा देती हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके के ऑर्गेनाइजर आप अपने घर में बिल्कुल जीरो कास्ट में बना के रेडी कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे बालों में मैंने लगा दिया है, ये बाल खुला हुआ है, एक चोटियाँ में है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा अच्छे डेकोरेट करके आप लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और दोस्तों जूड़ा भी बना के लगाएंगे तो आप देखिए जूड़ा में कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और दोस्तों इसी तरीके के हम ऑर्गेनाइजर वगैरह खरीदने जाते हैं अपने बालों के लिए, आपने देखा है कि काफ़ी महंगा मिलता है या काफ़ी पैसों में मिलता है। तो देखिए दोस्तों ये ज़रा सी पैसे में मैंने अपने घर में इस तरह का ऑर्गेनाइजर बना के रेडी कर लिया है। जी हाँ दोस्तों देखने में कठिन है पर ये बहुत ही ईजी है। तो चलिए दोस्तों अगला है टिप देख लेते हैं। अगला एक टिप दोस्तों इस तरीके से हमारे पंखे को लेके है, ये जो गर्म पंखा होता है तो रूम हीटर होता है, आपने देखा होगा इस तरीके से जो रूम हीटर होता है। तो हमारा ये सीजन ख़त्म हो चुका है तो हमें क्या करना है, तो दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक अच्छे कपड़े से सूती कपड़े से साफ़ कर लेंगे इसको। और साफ़ करने के बाद अब आप देखेंगे इसको अच्छी तरीके से क्लीनिंग करने के बाद और हमें आगे इसको करना क्या है। पहले तो इसका जो वायर है इसको मुझे अच्छी तरीके से इसके अंदर लपेट लेना है। और लपेटने के बाद अब आप देखेंगे कि बहुत इजी तरीके से हमारा ये वायर इकट्ठा भी हो जाता है। इकट्ठा करने के बाद कोई आपको क्लिप ले लेना है और बाल का क्लिप ले लेना है और इसको लगा देना है। और लगाने के बाद एक सूट मैंने पुराना ले लिया है, तो दोस्तों 5 से 6 महीने तक हम इसको कवर करके रखते हैं, तो ऐसे ही रख देते हैं तो धूल मिट्टी बैक्टीरिया वगैरह इसके साथ सब उड़ के इसके ऊपर जम जाते हैं। तो इस पे जमे ना, तो हमें इसके लिए छोटा सा काम करना है कि उल्टा मैंने बाजू को अंदर कर लिया है और ऊपर से मैं इसमें रबड़ लगा लेती हूँ। और रबड़ लगाने के बाद अब आप देखेंगे कि इस सूट को मैं सीधा कर लेती हूँ, जो रबड़ लगाया है ये पार्ट अंदर हो जाएगा और बाकी ये ऊपर सीधा कर लेती हूँ। और इसे ये जो रूम हीटर है मैं इसको अच्छे तरीके से कवर कर देती हूँ। कवर करने के बाद अब आपको जहाँ रखना है अच्छी तरीके से इसको रख दीजिए और नीचे वाला पार्ट मैं जहाँ पे वायर को इकट्ठा करा हुआ है वहाँ पे इकट्ठा कर दूँगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने रूम हीटर को बहुत इजीली तरीके से पैक करके रख सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास इस तरीके का रूम हीटर है तो ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर दोस्तों वीडियो ज़रा से भी पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहीं पे दोस्तों मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। इसमें से टिप और एंट्री आप सभी को कौन सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ अपने गाँव और शहर का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में।